जैन दोस्तों, बहुत सारे सवाल करते हैं कि फौज से आप आए क्या लेके आए, या फौज से जाओगे क्या लेके जाओगे। बड़ा सवाल है, कितने पैसे लेके जाओगे, सब अपनी गणनाएं करते हैं। लेकिन एक रिटायरमेंट के सामने एक जनरल रिटायर्ड थे, उन्होंने हमारे को एड्रेस किया था नासिक रोड में, यानी है फरवरी 25 फरवरी 2020 की बात मैं कह रहा हूँ। उन्होंने आकर कहा, उनके एक पैर में चोट लगी थी, स्टिक के साथ बैठे थे और हम कई जेसीओ थे, उन्होंने बात कही, जवान थे, वहाँ पर एक बात कही कि आप पेंशन जा रहे हो, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं फाइनेंशियल के ऊपर लेक्चर देने नहीं आया, मैं ये सिर्फ बात कह रहा हूँ कि आप फौज से जाना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और पूरी सेहत के साथ, अच्छी सेहत के जाना तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सारे लोग स्तब्ध रह गए कि आखिर जनरल साहब कहना क्या चाहते। तो उन्होंने कहा कि कितने लोग हैं जो फौज से घर वापस जाते नहीं, सिर्फ तिरंगे में जाते, उनका पार्थिव शरीर जाता है, शहीद हो जाते हैं। आप जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ कुछ ऐसे भी आपके आसपास बैठे हैं, 50 से 60 लड़के बैठे हैं जिनके हाथ में स्टिक है, किसी की बाजू है, यानी कितनी वॉर इंजरी हुई है, कितने उनको शारीरिक कष्ट है, इस ये भी यहाँ जाकर के वो लॉस करके जा रहे हैं। यदि आप सेफ बन जा रहे हो, आप शरीर स्वस्थ होकर जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आगे सर्वाइव आपने इस शरीर से करना है। पैसा जो मिला वो तो बोनस है, यानी क्या बात कही, दिल को छू गई। आज मुझे लगा कि यदि मैं कल और परसों की बातों को मिला के जाता हूँ, तो किसी एक फिल्म का डायलॉग है कि भाई किसी फौजी दोस्त से किसी ने पूछा कि कल तू क्या करेगा, तो बोला मैं कल के बारे में नहीं सोचता, मैं आज क्या करूंगा वो बात कर, कल हो सकता है मैं अखबारों में आ जाऊं, क्योंकि मेरी तो रात में ड्यूटी, नाइट पेट्रोलिंग, दिन में पेट्रोलिंग, यहाँ जाना वहाँ जाना, रात का मूवमेंट है, बड़े बड़े कौन कब हादसा हो जाए या दुश्मन हमारे ऊपर घात लगा के बैठा हो, हम कल के बारे में नहीं सोचते, हम आज के बारे में सोचते। बोल आज मेरे पास एक घंटा है, बोल तूने क्या है, मैं जिंदगी आज को मान के चलता हूँ, कल की गारंटी हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है, बाकी भगवान की मर्जी है कि कल क्या होगा। दोस्तों ऐसी बातें हैं जो फौजी आदमी की प्रैक्टिकल लाइफ में होती है, किसी पिक्चर में नहीं होती है। ये कोई पिक्चराइज करने के लिए नहीं है कि शूट करने के लिए नहीं है, ये रियल लाइफ की रियल कहानी है, और ये हादसों से हम सब के साथ होते, हमारे नहीं हो रहे, हमारे किसी और भाई के साथ हो रहे, इसका मतलब हम सब के साथ हो रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।